हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पर आ चुके हैं, जो कि 100 क्वेश्चन पीवाई की सीरीज हम लोग चला रहे थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। देखिए दिया हुआ 0 to π एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, ठीक है, ये डी एक्स है। तो अब इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करें, इंटीग्रेट करना है। तो एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्या फार्मूला होता है मैं आपको बताता हूँ। 0 to a अगर एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स कर सकते हैं। मतलब इसको इसमें से इसको माइनस करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर इसका करेंगे तो यही बात आएगी, ठीक है, यही इंटीग्रेशन हमारा आएगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वही चीज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन हम यहाँ पे इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इसको देखिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू 0 to π पाई माइनस एक्स। यहाँ क्या लिखना है, एक्स आप लोग इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, पाई माइनस एक्स, ठीक है। मतलब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस एक्स की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स की जगह हम लोग को क्या पुट करना है, पाई माइनस एक्स पुट करना है। बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब यहाँ पे एक्स में पाई माइनस एक्स रख दिया, उसके बाद टेन पाई माइनस एक्स हमने रख दिया, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, सिक पाई माइनस एक्स हो जाएगा, फिर प्लस टेन पाई माइनस एक्स हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सभी को। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, 0 to π 0 to π। अब देखिए पाई माइनस एक्स, अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये पाई माइनस एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, टेन पाई माइनस थीटा माइनस साइन पाई माइनस टेन थीटा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, टेन एक्स, और ये डी एक्स ऑलरेडी यहाँ पे था तो डी एक्स लिखना भूल गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सिक सिक पाई माइनस थीटा हो जाता है, माइनस सिक एक्स हो जाता है, और टेन पाई माइनस एक्स आपको पता है ये क्या हो जाएगा, टेन माइनस टेन एक्स हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से थोड़ा सा कर लेते हैं। यहाँ से माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम थोड़ा इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे, आई इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से माइनस लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस जब कटेगा तो यहाँ का माइनस तो खत्म हो गया, पाई माइनस एक्स हो गया, ब्रैकेट में ये हो गया हमारे पास टेन एक्स हो गया। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब ये वाला और ये वाला इक्वेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप अच्छे समझ लीजिएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करेंगे तो ये आई और आई मिल करके क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू आई हो जाएगा। देखिए दोनों का जो जीरो से लेके पाई तक, इसका भी जीरो से लेके पाई तक, तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, क्या लिखेंगे, जीरो से लेके पाई तक। अब इसको ऐड कर दीजिए, हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ये था ना, ये तो एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है, फिर प्लस, ठीक है, फिर प्लस पाई माइनस एक्स टेन एक्स अपॉन में सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब ठीक है, ये डी एक्स हो गया। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन हमने ऐड कर लिया, तो आप देखेंगे जब इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा। थोड़ा सा मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, देखते रहिएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया 2i इज इक्वल टू 0 to π, 0 to π हमने लिख लिया। अब क्या इसको करेंगे, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसका एलसीएम आ गया सेक एक्स, इसको जो है देखिए ये एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स टेन एक्स, ठीक है, एक्स टेन एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस पाई टेन एक्स हो जाएगा और ये माइनस एक्स टेन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ये और ये इसका काम हम लोगों ने क्या किया, ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद क्या, यहाँ पाई हमने कॉमन लिखी, ये ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 2i इज इक्वल टू, यहाँ से पाई बचा, पाई हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, पाई हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बचेगा, टेन एक्स बच जाएगा, क्या बचेगा, टेन एक्स बच जाएगा, ठीक है। तो अब टेन एक्स बच जाएगा और अपॉन में क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स बच गया, सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमारे पास बच गया। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं, क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। थोड़ा सा मैं इधर ही लिख देता हूँ, ब्रेक करने का मतलब टेन को साइन कॉस में ब्रेक कर देते हैं। साइन को टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन थी साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। 0 to π हो जाएगा, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अपॉन में क्या लिखेंगे, सेक एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos x, फिर प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हम लोग लिख सकते हैं। अभी हमारे पास ये होगा, अब इसका एलसीएम लेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है, अब समझिएगा। यहाँ पे अब ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कॉस, इसका एलसीएम आएगा इसका कॉस, तो हमारा ये कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा। इतनी
चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं क्लियर होंगी तो बताइएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास बच जाएगा साइन एक्स, ऊपर बच जाएगा साइन एक्स अपॉन में क्या बचेगा, वन प्लस कॉस एक्स बच जाएगा, क्या बच जाएगा, वन अपॉन वन प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देखिए वन प्लस ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, वन माइनस वन प्लस सॉरी वन प्लस साइन एक्स बचेगा ना, बात समझ में आ रहा है, कॉस वन प्लस साइन एक्स बचेगा, क्या बचेगा, वन प्लस साइन एक्स बचेगा। तो जब वन प्लस साइन एक्स बचेगा तो वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्यों कर रहे हैं ये भी हम बताते हैं अभी। वन प्लस साइन एक्स दिया हुआ नीचे, वन माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अच्छा रुकिए, दिखा नहीं आपको, ये रहा ठीक है, ये देखिए हमने नीचे कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो अब हमारे पास वन माइनस साइन स्क्वायर, मतलब वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें आप बहुत अच्छे समझिएगा, मैं लिख रहा हूँ, देखिए लिख रहा हूँ, टू आई इज इक्वल टू ये साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई रहेगा, ये डी एक्स मैं लिखना भूल जा रहा हूँ, अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स और ये अपॉन में ऐसे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ क्या था, हमारे पास टू आई इज इक्वल टू क्या बचा था, पाई हमने बाहर कॉमन ले लिया था। एक चीज़ मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ पे पाई हमने कॉमन लिया था, तो यहाँ पाई लिखना भूल गया हूँ, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पाई हमने कॉमन ले लिया था। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, अब हमने पाई बाहर लिख लिया, जीरो टू पाई तक इसका था वो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। अब इसको अलग ले लीजिए, देखिए इसको अलग ले लेंगे तो साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स जीरो टू पाई, पाई बाहर कॉमन था और ये हमारे पास टू आई होगा, ये हमारे पास क्या हो गया, डी एक्स हो गया, ठीक है। अब इसको और आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, अब आगे बढ़ाएंगे, देखिए साइन अपॉन कॉस, एक कॉस इसके साथ हो जाएगा टेन एक्स, क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, और एक वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, जो कि जीरो टू पाई रहेगा। इसको अलग कर लेते हैं डी एक्स, और साथ में साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, जीरो टू पाई हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पाई दोनों ब्रैकेट से बाहर था, समझ लीजिए दोनों ब्रैकेट से हमने बाहर ले लिया। इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अलग अलग इसको क्या करते हैं, जब ले लेते हैं, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, खैर इसको देखते हैं आगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ये टू आई ऑलरेडी है, यहाँ पे 2i हम लोग लिखे हैं, ठीक है। ये पाई हम लोग कॉमन ले लिया, टेन एक्स सेक एक्स को अगर हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है सेक एक्स आ जाती है, क्या आ जाती है, सेक एक्स आ जाती है, ठीक है, सेक एक्स आ जाती है, ठीक। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे, लिख देते हैं जीरो टू पाई टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है, सेक स्क्वायर माइनस वन लिख देंगे, फिर उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये जीरो टू पाई हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। खैर आगे आ जाते हैं, इसको करेंगे, देखिए सेक स्क्वायर इसको करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स हो जाएगा, टेन एक्स, और वन का करेंगे तो एक्स आ जाएगा, वन का एक्स आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग जब x आ गया तो ये प्लस x हो गया, हाँ माइनस का मल्टीप्लाई, हाँ ये प्लस x हो गया। अब हमारे पास जो ये बचा था sec x और ये पाई ऑलरेडी बाहर था और ये 2i था, ये जीरो से लेके पाई तक था। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पुट करेंगे इसकी पाई की वैल्यू, ध्यान दीजिएगा इसका पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी sec पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, क्या होती है, sec पाई की वैल्यू माइनस वन होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, माइनस वन, और इस टेन पाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, और इस पे रखेंगे तो ये प्लस पाई हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, मतलब ये अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पे जीरो रखेंगे तो sec जीरो की वैल्यू जो भी होगा टोटल, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वन, इसकी भी वन, और वन वन करके कट जाएगा, और ये जीरो, सिर्फ जीरो नहीं, ये होगा sec, हाँ तो आपको बता दें कि sec जीरो, यहाँ पे sec जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन होती है, ठीक है, माइनस वन हो जाएगा, उसके बाद ये जीरो, ये सारा जीरो हो जाएगा, बात समझ में आ गया। आप सभी को इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये सॉरी पाई बराबर नहीं हुए टू आई, ठीक। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस वन ठीक है, माइनस वन टू हो जाएगा। अब टू होने के बाद ध्यान देना, ये माइनस टू और ये पाई माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट में, और ये बाहर पाई है, अपॉन में ये टू आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, आई की वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर इतनी आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि ये चार नंबर या छः नंबर में जरूर से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही इक्वेशन बना के, दो तीन इक्वेशन जैसे भी आप करके, आप ओवरऑल आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, कौन सी वैल्यू कैसे इंटीग्रेट होती है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पे टेन स्क्वायर एक्स, आप बहुत लोगों को ये बात पता नहीं हुई कि टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता है, इसको चेंज करना पड़ता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, मतलब समझ रहे हैं,
उसको आप चेंज करेंगे तो फिर उसके बाद आपकी वैल्यू आसानी से समझ में आ जाएगा, आप उसको इंटीग्रेट कर ले जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, आई इज इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू ब्रैकेट में पाई माइनस टू, इसकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।